वेलकम फ्रेंड्स टू आराध्या आरएएस एकेडमी। फ्रेंड्स आज अपन जो चर्चा करेंगे वो है अजमेर के चौहान वंश। अजमेर के चौहान वंश में परीक्षा के अंदर एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कौन कौन से एग्जाम के अंदर आता है, जैसे सेकेंड ग्रेड आरएएस, पटवार, पुलिस एसआई और जेल प्रहरी। और सेकेंड ग्रेड के अंदर तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अजमेर के चौहान वंश। तो अपन अजमेर के चौहान वंश के बारे में बात करेंगे। तो अजमेर के चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, जो चौहान शब्द है वो कौन से शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो कौन से, चहमान। चहमान चहमान शब्द है, उससे ही क्या बना है, चौहान। चहमान से क्या बना है, चौहान। अब देखो उत्पत्ति के क्या क्या कारण है वो बात करेंगे अपन। देखो एक तो है चंद्रवरदाई, एक सूर्यमल विसरण और एक मूनोत नैणसी। इन तो तीनों ने तो एक बात कही है कि क्या कही है, जो रसी ऋषि है विशिष्ट, रसी वशिष्ठ, ये रसी विशिष्ट ने क्या किया था, आबू पर्वत के ऊपर एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ के अंदर कहा जाता है उस यज्ञ के अंदर चार जातियां निकली थी, कौन कौन सी, एक तो चौहान, चौहान एक प्रतिहार, एक परमार और एक चालुक्य। ये चार जातियां किसमें निकली थी, गुरु वशिष्ठ के द्वारा किए गए यज्ञ में, के द्वारा यज्ञ में। यानी कि यज्ञ में क्या हुआ था, अग्निकुंड से कहा जाता है कि चौहान, प्रतिहार, परमार और चालुक्य ये चारों जातियां है वो आबू पर्वत पर एक यज्ञ हुआ था उसके अंदर निकली थी। तो चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, उस यज्ञ से, यानी कि अग्निकुंड से, अग्निकुंड से, अग्निकुंड से मानी जाती है इन तीनों के जो मत के अनुसार। अब आगे देखो जो दूसरा मत है वो है अपने कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड, जेम्स टोड और एक विलियम कुक, विलियम कुक। इन दोनों ने क्या कहा है, इन दोनों ने ऐसे कहा है कि कोई चौहान है वो विदेशी है, क्या है, विदेशी है, चौहान क्या है, विदेशी। दो मत हो गए। तीसरा मत देखो, तीसरा मत है कि 1170 ईस्वी में, 1170 ईस्वी में एक शिलालेख मिला था, एक शिलालेख मिला था जिसका नाम था बिजोलिया शिलालेख। क्या नाम था, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। उस शिलालेख के अंदर कहा जाता है कि भाई चौहान है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, क्या है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, ये बताया गया है किसके अंदर, बिजोलिया शिलालेख के अंदर। अब देखो जो बिजोलिया शिलालेख वो कहां लगा हुआ है उसकी बात करें तो अपन बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा के अंदर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर वहां पर यह शिलालेख लगा हुआ है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के अंदर यह शिलालेख लगा हुआ है। और यह शिलालेख लगाया किसने था, तो यह शिलालेख एक गोविंद नाम का एक व्यक्ति था, क्या था, गोविंद नाम का एक व्यक्ति, उसने ये शिलालेख लगवाया था। उस शिलालेख के अनुसार जो चौहान है वो क्या है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। परीक्षा के अंदर प्रश्न आया था कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन से शिलालेख के अनुसार बताया गया है, तो कौन से, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। अब देखो चौहानों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है, तो चौहानों का जो मूल स्थान है वो जांगल प्रदेश से बताया जाता है, कि भाई ये जांगल प्रदेश से आए थे, जांगल प्रदेश। अब जांगल प्रदेश के अंदर कौन कौन से आते हैं वो देखो, जांगल प्रदेश के अंदर जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर। जांगल प्रदेश के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जोधपुर, बीकानेर और नागौर, जो इन क्षेत्रों को जांगल प्रदेश कहा जाता है। और जो चौहानों की राजधानी थी पहले तो वो कौन सी थी, कौन सी थी, अही छत्रपुर, अही छत्रपुर, अही छत्रपुर कहां पड़ता है, नागौर के अंदर, नागौर के अंदर अही छत्रपुर पड़ता है। तो ये हो गया अजमेर के चौहानों वंश के
जो मत थे मत हो गए। अब आगे देखो, चौहानों की कुलदेवी देखो, चौहानों की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता। चौहानों की कुलदेवी कौन है? कुलदेवी आशापुरा माता, आशापुरा माता। और कुलदेवता कौन है? कुलदेवता, कुलदेवता है हर्षनाथ। ठीक है, कुलदेवता है हर्षनाथ और कुलदेवी है आशापुरा माता। अब देखो, अपन जो पहला राजा था इसका, जो इसके संस्थापक माने जाते हैं, तो वो कौन थे? वो थे वासुदेव। वासुदेव जो वासुदेव चौहान थे, उनको क्या कहा जाता है? चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक, क्या कहा जाता है? आदि पुरुष। तीनों एक ही वर्ड है, आदि पुरुष या मूल पुरुष और संस्थापक, संस्थापक ये कहा जाता है चौहानों के, जो कौन थे? वासुदेव। और वासुदेव ने और क्या किया था? इन्होंने एक काम किया था, वो था सांबर झील का निर्माण करवाया था। क्या किया था? सांबर झील का निर्माण, सांबर झील का निर्माण। बस वासुदेव के बारे में अपन को इतना ही याद रखना है, आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक और सांबर झील का निर्माण करवाया था, ये याद रखना है। देखो दूसरा है अपना भुवक प्रथम, भुवक प्रथम सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत ही अच्छे, ज्यादा डीपली में चलकर ऊपर ऊपर से अच्छे से पढ़ेंगे अपन। स्थापना इसने चौहानों की 551 ईस्वी के अंदर की थी। देखो भुवक प्रथम के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे कि भुवक प्रथम ने क्या किया था, जो इनके कुलदेवता थे, कुलदेवता कौन थे? हर्षनाथ। हर्षनाथ का इन्होंने मंदिर बनवाया था। किसने? भुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? भुवक प्रथम ने। पहले क्या थे कि जो वासुदेव तक, वासुदेव तक जो चौहान है वो प्रतिहार के सामंत थे, जो प्रतिहार थे गुजर प्रतिहार, इनके सामंत थे। फिर जो भुवक प्रथम थे, इन्होंने क्या किया था कि जो प्रतिहार शासक था नागभट्ट, नागभट्ट द्वितीय, इनके सामंत होने से इन्होंने मना कर दिया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसने? भुवक प्रथम ने। किसने? भुवक प्रथम ने क्या किया था? चौहानों के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी भुवक प्रथम ने, और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तीसरा देखो, तीसरा राजा होता है इसमें चंद्रराज, चंद्रराज एक राजा होता है। तो चंद्रराज ने ऐसा कुछ काम किया नहीं था, लेकिन जो इसकी रानी थी उसने क्या किया था कि जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील के अंदर रोजाना शाम को 1000 दिए जलाया करती थी। कौन? जो इसकी रानी थी। क्या नाम था उस रानी का? रुद्राणी। ये एक योगी के रूप में निपुण थी, योगी क्रिया में निपुण, क्रिया में निपुण। और रानी का नाम क्या था? रुद्राणी, रुद्राणी। ये रुद्राणी है ना, जो पुष्कर झील के अंदर 1000 दिए जलाती थी और दिए जलाकर शिव की आराधना करती थी। किसकी? शिव की आराधना करती थी। चौथा देखो अपना, चौथा राजा है कौन सा? विग्रहराज सेकंड। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गुजरात के अंदर तो एक बड़ोच नामक स्थान है, वहां पर अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवाया था। और इन्होंने सर्वप्रथम काम क्या किया था? जो चालुक्य शासक था, चालुक्य शासक, चालुक्य शासक मूलराज सेकंड को हराया था। किसको? मूलराज सेकंड, मूलराज सेकंड। ठीक है, चालुक्य शासक मूलराज सेकंड को हराया और वहां पर, यानी कि गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर बड़ोच नामक स्थान में, वहां पर बड़ोच, बड़ोच कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर। वहां क्या किया था? अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था?
आशापुरा माता का मंदिर, आशापुरा माता का मंदिर, ठीक है। मूल रात पर आकर आशापुरा माता का मंदिर इन्होंने बना दिया। अब देखो पांचवा नंबर का आता है अपना अजयराज। क्या आता है? अजयराज। जो अजयराज थे इन्होंने अजमेर नगर को बसाया। कब? 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में अजमेर नगर को बसा दिया, अजमेर नगर बसाया, ठीक है। इतना काम हो गया 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया और अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। क्या करवाया? दूसरा काम अजय मेरु दुर्ग, अजय मेरु दुर्ग का निर्माण। चलो भाई यहां तक भी ठीक है, निर्माण करवाया। और इसने क्या काम किया था? अपने ही नाम से इसने सिक्के चलवा दिए थे। अपने ही नाम से क्या किए थे? सिक्के चलवा दिए थे। और उस सिक्के पे क्या लिखा हुआ था? श्री अजय देव। क्या लिखा हुआ था? श्री अजय देव, श्री अजय देव नाम से इसने क्या किए थे? सिक्के चला दिए थे। अजय राज के बारे में सिर्फ अपने यही याद रखना है, अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया, 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया और श्री अजय देव नाम से इसने सिक्के चला दिए, ठीक है, याद करिए। उसके बाद में देखो, उसके बाद में जो तीसरा राजा आता है वो है अर्णोराज। छठा राजा कौन सा है? अर्णोराज। अर्णोराज के बारे में अपन को सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो पुष्कर में वराज मंदिर का निर्माण करवाया था और एक आना सागर झील का निर्माण करवाया था। एक तो पुष्कर के अंदर या वरा मंदिर, वरा है मंदिर, वरा मंदिर का निर्माण, और दूसरा क्या किया था? आना सागर झील का निर्माण, आना सागर झील का निर्माण, आना सागर झील का निर्माण और पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण ये करवाया था किसने? अर्णोराज ने। सात नंबर है अपना विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ इनका जो शासनकाल था वो 1153 से लेके 1163 तक था, 1153 से लेके 1163 तक। इनके काल के अंदर चौहानों को स्वर्ण काल माना जाता है, मतलब चौहानों का जो स्वर्ण काल है सबसे ज्यादा कार्य किसमें हुए थे? तो वो विग्रहराज चतुर्थ के काल में हुए थे। तो देखो चौहानों का स्वर्ण काल, चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है इनके काल को। इनके काल में बहुत सारे निर्माण हुए थे, इसकी वजह से इनको चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखो इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? जो दिल्ली है वो तोमर वंश से छीन ली इन्होंने। दिल्ली को क्या किया था? तोमर वंश से छीन ली, तोमर वंश से दिल्ली छीन ली, मतलब दिल्ली पर अधिकार करने वाला जो चौहानों का प्रथम शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ से छीन ली। और इन्होंने क्या काम किया था? जो अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला है, अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला है, उस संस्कृत पाठशाला का नाम क्या है? कंठवरण, कंठवरण, कंठवरण क्या है? एक संस्कृत पाठशाला है, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला का इन्होंने क्या किया था कि निर्माण करवाया था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। और उसके ऊपर क्या है? जो अपने हरिकेली नाटक लिखा था इन्होंने, क्या लिखा था? हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक, ये एक संस्कृत में लिखा गया था हरिकेली नाटक। और इसकी जो कुछ पंक्तियां हैं वो इस संस्कृत पाठशाला के ऊपर लिखी गई थी,
फिर बाद में क्या हुआ कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, जो कंठ भरण पाठशाला है, संस्कृत पाठशाला है, इसको तुड़वा के इन्होंने क्या कर दिया था, इसका नाम अडाईदीन झोपड़ा, अडाईदीन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वा दिया था। जो अडाईदीन का झोपड़ा है इसका निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था, किसका, इस अडाईदीन झोपड़े का। और इस अडाईदीन का झोपड़ा है वो किसको तोड़कर बनाया गया था, वो एक संस्कृत पाठशाला है जिसका नाम था कंठभरण, उसको तोड़कर बनाया गया था अडाईदीन का झोपड़ा। इन्होंने हरि के लिए नाटक लिखा था और इनको क्या कहा जाता है, कटिबंधु, कटिबंधु और बिसलदेव रासो, इन्होंने एक पुस्तक थी इनके नाम पर लिखी गई थी, बिसलदेव रासो, किसने लिखी थी, नरपति नाल ने। तो इनको क्या कहा जाता है, बिसलदेव, बिसलदेव भी कहा जाता है, कटिबंधु कहा जाता है, बिसलदेव भी कहा जाता है, किसको, विक्रमादित्य चतुर्थ को। इन्होंने क्या किया था, एक बिसलपुर नाम का एक कस्बा बसाया था, जो बिसलपुर नाम का एक कस्बा है, बिसलपुर कस्बा बसाया। और जो बिसलपुर तालाब है उसी का भी निर्माण करवाया था, किसने, विक्रमादित्य चतुर्थ ने। अब देखो, एक इनके काल में कवि थे जिनका नाम था सोमदेव, क्या नाम था, सोमदेव। उन सोमदेव ने क्या किया था, ललित विग्रहराज नाम से किताब लिखी थी, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज नाम से एक पुस्तक लिखी थी, किसने, सोमदेव ने। और जो भी मैं बताया था बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी, नरपति नाले, नरपति नाले, बिसलदेव रासो, नरपति नाले, ललित विग्रहराज, सोमदेव, ललित विग्रहराज, सोमदेव। देखो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में वापस देख लो, 1153 से 1163 तक थे, इन्होंने दिल्ली तोमरवंश से छीन ली थी, दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक कौन था, विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने हरि के लिए नाटक लिखा था, कटिबंधु कहा जाता है, बिसलदेव कहा जाता है, बिसलपुर कस्बे का निर्माण करवाया, बिसलपुर तालाब का निर्माण करवाया, इन्होंने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी जिसका नाम था कंठभरण, जो उसी संस्कृत पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया था, अडाईदीन का झोपड़ा। इनके टाइम के अंदर दो कवि थे, एक तो थे सोमदेव जिन्होंने क्या किया था, ललित विग्रहराज एक पुस्तक लिखी थी, और दूसरा है नरपति नाले, इन्होंने क्या किया था, बिसलदेव रासो के नाम से एक पुस्तक लिखी थी। और देखो जो चौहानों का जो स्वर्ण काल है वो 1153 से 1163 तक माना जाता है। आठवां शासक है अपना पृथ्वीराज तृतीय, कौन सा है, पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड। तो ये कब से कब तक थे, 1177 से लेके 1192, 1177 से 1192 तक इनका शासन काल था। और इन्होंने क्या क्या कार्य किए, इनके माता पिता कौन थे, देखो माता तो थी इनकी कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी, पिता थे इनके सोमेश्वर, कौन थे, सोमेश्वर, पत्नी थी इनकी संयोगिता, संयोगिता कहाँ की थी, इनके पिता कौन थे, जयचंद गहडवाण, जयचंद गहडवाण की पुत्री, चंदेल शासक था,
जयचंद गैडवाल की पुत्री कौन थी? सहयोगिता। वो क्या थी? इनकी पत्नी। यहां तक अपना कार्य खत्म हो गया। आप देखो जो पृथ्वीराज चौहान था, जब राजा बना था, जब चौहानों का उत्तराधिकारी बना था, उस समय जो छोटा था, बाल्यावस्था में ही इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था, तो कर्पूरी देवी ने क्या किया था? इनकी संरक्षिका बनी थी। कर्पूरी देवी क्या बनी थी? इनकी संरक्षिका बनी थी, क्योंकि इनका चचेरा भाई था जिनका नाम था नागार्जुन। क्या नाम था? नागार्जुन। तो वो क्या करता है कि बार बार के अंदर जो छेड़खानी करता है, तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान क्या करता है? इस नागार्जुन का दमन करता है। अपने चचेरे भाई कौन था? नागार्जुन का दमन करता है। उसके बाद में देखो पृथ्वीराज चौहान ने एक युद्ध लड़ा था, कौन सा? 1182 के अंदर, जिसको नाम आ जाए तुमुर का युद्ध, या आ जाए महोबा। ठीक है, महोबा नहीं, पाहेबा, पाहेबा, तुमुर या पाहेबा का युद्ध कब हुआ था? 1182 के अंदर। किस किस के मध्य हुआ था? तो परमर्दी देव, परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव के मध्य यह युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर क्या हुआ कि जो परमर्दी देव थे, जो इनके दो सेनापति थे जिनका नाम था आला और उदल, आला उदल, ये दो सेनापति थे इसके, इसके परमर्दी देव के, ये दोनों वीरता के साथ में मारे जाते हैं और आज भी गीतों के अंदर आला और उदल का नाम लिया जाता है। 1182 का युद्ध हुआ था, तुमुर या पाहेबा का युद्ध, किस किस के मध्य? पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव के मध्य आला और उदल, इसके दो सेनापति थे, वो दोनों मारे जाते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वीराज चौहान ने एक बंडानक एक जाति थी, क्या नाम था? बंडानक, बंडानक एक जाति थी जो उसका विद्रोह का दमन किया था, किसने? पृथ्वीराज चौहान। अब ये बंडानक कौन थे? तो बंडानक एक सतलज पार एक जाति थी, सतलज पार की एक जाति, सतलज पार की एक जाति थी बंडानक। ठीक है, याद रखना, बंडानक क्या थी? सतलज पार की एक जाति। इन्होंने क्या किया था? जो हिसार के ऊपर अधिकार कर लिया था। ठीक है, कहां पे अधिकार कर लिया था? हिसार, हिसार के ऊपर इन्होंने अधिकार कर लिया था, किसने? बंडानक एक जाति ने। ठीक है, याद रखना, बंडानक एक सतलज पार एक जाति थी और हिसार के ऊपर इन्होंने अधिकार कर लिया था, तो इनका दमन कर दिया था, किसने? पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने। इतना समझ में आ गया? देखो उसके बाद के अंदर जो तीसरा है, 1182 के अंदर एक युद्ध लड़ दिया था, उसके बाद में 1187 के अंदर एक युद्ध और लड़ता है। 1187 के अंदर जो चालुक्य शासक था भीम सेकंड, उसको हराता है। 1187 याद रखना, 1187 के अंदर क्या हुआ था? जो गुजरात के चालुक्य शासक, चालुक्य शासक, क्या नाम था? भीम सेकंड, यानी कि भीमदेव सेकंड, भीमदेव सेकंड, इनको हरा दिया था। ठीक है, मतलब युद्ध हुआ था लेकिन संधि हो गई थी दोनों के मध्य और कॉम्प्रोमाइज हो गया था। तो 1187 के अंदर क्या हुआ था? चालों के शासक भीमदेव को हरा दिया था, फिर इनके दोनों के मध्य संधि हो गई थी। उसके बाद में जो तृतीय युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1191 में। सबको पता है 1191 में युद्ध हुआ था, कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध, कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। उसके अंदर क्या हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? तो वो युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी
सात में कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। इन दोनों के मध्य जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसके अंदर जो पृथ्वीराज का सेनापति कौन था? चामुंडा राय, चामुंडा राय ये कौन था इसके सेनापति। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ? मोहम्मद गोरी को हरा दिया जाता है तराइन का प्रथम युद्ध के अंदर। पृथ्वीराज का जो सेनापति था वो कौन था? चामुंडा राय। और एक दिल्ली का गवर्नर था जिसका नाम था गोविंद राज, गोविंद राज, गोविंद राज एक दिल्ली का गवर्नर था। उन्होंने क्या किया था कि एक वार से मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया था और मोहम्मद गोरी युद्ध छोड़ के भाग जाता है। और इस युद्ध में किसकी विजय होती है? पृथ्वीराज तृतीय की, पृथ्वीराज तृतीय की तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर विजय होती है। अब ये कारण क्या था इसका, कारण क्या था इसका? तो दिल्ली पर अधिकार था किसका? पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन जो मोहम्मद गोरी थे इन्होंने क्या किया था, एक तवर हिंद नाम की एक जगह है, ठीक है, क्या तवर हिंद, तवर हिंद नाम की एक जगह है, उस पर क्या कर दिया था? अधिकार कर दिया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। अरबो वाला हिस्सा है वो किसके अंडर में आता था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। देखो पर हार गया, ठीक है। अब तो सेकंड युद्ध होता है वो होता है 1192 में, 1192 के अंदर युद्ध होता है, कौन सा? वही तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। किस किस के मध्य हुआ था? वही पृथ्वीराज और, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य। इस युद्ध के अंदर क्या होता है, जो पृथ्वीराज का जो सेनापति होता है कौन? चामुंडा राय, चामुंडा राय इस युद्ध के अंदर भाग नहीं लेता है, चामुंडा राय इस युद्ध में भाग नहीं लेता है। पृथ्वीराज चौहान का हार का मुख्य कारण था कि चामुंडा राय भाग नहीं लेता था। और जो गोविंद राज था, गोविंद राज था सेकंड युद्ध के अंदर, जो मोहम्मद गोरी ने गोविंद राज को मार देता है। तो तराइन का तृतीय युद्ध है उसमें विजय किसकी होती है? मोहम्मद गोरी की, किसकी? मोहम्मद गोरी की तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय होती है। अब देखो यहाँ तक अपना सारा कार्यक्रम खत्म हो गया। अब देखो पृथ्वीराज के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है, ये देखो 1192 में युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और हारने के बाद में जो चंद्रवरदाई है उसकी पुस्तक यानी कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रवरदाई ने, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई ने पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। उसके अनुसार, उसके अनुसार जो पृथ्वीराज चौहान है इसको पकड़कर मोहम्मद गोरी कहाँ ले गया था? अपने अफगान ले गया था और वहां जाके मार दिया जाता है, बोले कि उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। लेकिन इसी पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन बाकी जो अदर जो पुस्तकें हैं जो उनके अंदर तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो तराइन के युद्ध के बाद में जो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय को पकड़ देता है और हिसार के पास में, हिसार के पास में ही उसको मार दिया जाता है, किसको? पृथ्वीराज तृतीय को। अब इसके ऊपर जो किताब लिखी गई है वो बता देता हूँ कौन कौन सी किताब है। एक तो है पृथ्वीराज रासो, किसने लिखी थी? चंद्रवरदाई ने। एक है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय वो किसने लिखी थी? जयानक भट्ट ने, जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय एक पुस्तक लिखी थी। अब देखो इनके टाइम के अंदर जो कवि थे वो कौन कौन थे वो देख लो। एक तो थे विद्यापति गौड़, जनार्दन और वागीश्वर। कौन कौन से थे? विद्यापति गौड़, जनार्दन और वागीश्वर, विद्यापति गौड़, जनार्दन और एक वागीश्वर, ये तीन कवि थे। और एक चौथा कौन था? चंद्र बरदाई। याद रखना विद्यापति गौड़, जनार्दन, वागीश्वर और
चंद्र बरदाई, ये चार थे, ये इसके अंदर कवि थे। और जो चंद्र बरदाई थे इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, पृथ्वी भट्ट। क्या था, पृथ्वी भट्ट। और इसकी पृथ्वीराज की उपाधि क्या क्या थी वो देख लो, जो इसको राय पिथौरा और दल कुंगल के नाम से भी जाना जाता था। क्या था, राय पिथौरा, राय पिथौरा और एक दल कुंगल, ये इसकी क्या थी उपाधि, राय पिथौरा और दल कुंगल। दल कुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। क्या होता है, विश्व विजेता। तो ये हो गया। और एक बात और, जो अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो किसके शासनकाल में भारत आए थे, जो पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में ही भारत आए थे, कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसके साथ आए थे, वो मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे। ये हो गया आज का अपना अजमेर के चौहान वंश, जो सेकंड ग्रेड का टॉपिक और आरएएस पटवार एसआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अजमेर के चौहान वंश। अजमेर का चौहान वंश में कहानी वाणी बताने से कोई फायदा तो है नहीं, कहानी वाणी का टाइम तो नहीं अपने पास, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सारे आज अपने अजमेर के चौहान वंश के बारे में पढ़ लिए। अब इसके बाद में जो पृथ्वीराज तृतीय है, इसका जो पुत्र होता है जिसका नाम था गोविंद राज, गोविंद राज, ये भागकर कहां चले जाते हैं, रणथंभौर। और रणथंभौर में जाकर चौहान वंश की स्थापना कर देते हैं, कौन, गोविंद राज। तो अजमेर का चौहान वंश यही समाप्त हो जाता है। जितने प्रश्न आते हैं वो इसी में से आएंगे, इसके अलावा एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।